जी, इस वक्त हम 25th स्क्वाडन के साथ हैं और जा रहे हैं रनवे की जानेब, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ जूनियर ऑफिसर्स, इनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट अली शान हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि जब आप फ्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द पैशन, क्या चीज़ आपके जहन में होती है, द ओनली थिंग इन योर माइंड बिफोर फ्लाइंग? सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि जब हम जाते हैं इधर से फ्लाइट लाइन, द कल्मिनेटिंग थॉट्स जो हमारे इस टाइम होते हैं वो फोकस्ड होते हैं मिशन में। सो एवरीथिंग व्हिच यू आर थिंकिंग इज़ अबाउट द मिशन। तो यही एक जज्बा होता है जो कि हम सब में एक कॉमन चीज़ है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये चीज़, ये काम, और अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। और ये बताइएगा कि कितनी फुर्ती का कितना मुजाहरा करते हैं, आपको कितनी देर में आपको रिएक्ट करना होता है? इट्स ऑल अबाउट स्पीड, मतलब यू हैव टू बी क्विक ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू बी क्विक इन द एयर। तो इसी तरह बिलाल साहब, आप बताइएगा मुझे, आप जब जाते हैं फ्लाई करते हैं, आपके जहन में क्या थॉट्स होते हैं और किन टारगेट्स हैं जिसको आप कहते हैं कैटेगराइज करते हैं, इसको मैंने सबसे पहले अचीव करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, हमारे माइंड में ये होता है कि वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द डे इन विच आर नेशन नीड्स अस। सो फॉर दैट राउंड द क्लॉक वी आर रेडी, राउंड द क्लॉक वी आर प्रेजेंट, एंड राउंड द क्लॉक वी आर अवेलेबल फॉर दिस नेशन, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर ईच डे फॉर दिस नेशन, बिकॉज दिस वी ओ दिस नेशन, एंड दैट्स ऑल इन आवर माइंड। तो इसी जज्बे को लेकर हम रोज़ जब स्क्वाडन आते हैं तो हम इसी जज्बे को के साथ आते हैं कि हमने आज कल से बेहतर दिन गुजारना है और कल से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, ताकि हम एनिमी को ये दिखा सकें पाकिस्तान एयरफोर्स सेकेंड टू नन। ठीक है जी, वकार साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब फ्लाई करते हैं, आपका यकीनन वही जज्बा है जो आपके साथियों का जज्बा है, फैमिली को मिस करते हैं, याद करते हैं सारी, जब भी किसी ऐसे मिशन पे जाते हैं, किसी ऐसी चीज़ पे जाते हैं विच इज़ लिटिल चैलेंजिंग, वैसे तो आपकी सारी रूटीन इज़ चैलेंजिंग, बट इन स्पेशल ओकेजन्स पे एनी थॉट्स दैट कम अबाउट योर फैमिली और योर नेशन? देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम एक कॉज के लिए तैयार करें अपने आप को, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक अपनी हमारी ना काफ़ी थॉरो मिशन ब्रीफ्स होती हैं। तो हम मिशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे वी आर प्रोसीडिंग टू द एयरक्राफ्ट राइट नाउ, तो जो फैमिली और ये वाली सोच है ये सारी हम स्क्वाडन तक छोड़ के आए हैं। अभी वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन। तो इंशाल्लाह ये होता है, फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा होता है, ये बैलेंस हमें रखना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ईद्स और लीव्स और जैसे कोई ओकेजन्स होते हैं, बर्थडेज और ये चीज़ें होती हैं, तो आप ज़रूर मिस करते हो इन चीज़ों को, लेकिन देन अगेन वी ऑल नो आवर कॉल्स, तो इसके लिए फिर कुछ सेक्रीफाइस देनी पड़ती हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जलाल साहब, फ्लाइंग ऑफिसर हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी चाय बड़ी मशहूर है, चाय आप यहाँ पे कुछ स्पेशल बनाते हैं, क्या कौन सर्व करता है चाय यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो चाय हमारे स्क्वाडन में टी बार वगैरह में जो भी मौजूद होते हैं कहते हैं, दुश्मन गलवदा हम चाय सर्व करते हैं, जब भी दुश्मन ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग नेस्टी, जब वो चाहता है कि वो अपने नापाक अजाइम हमारे पे मुसलत करने की कोशिश करता है, तो फिर हमेशा वो जब मुँह की खाता है तो फिर हम एज एन एयरफोर्स अपनी तरफ से हम उसको चाय पिलाते हैं। मीठा रखते हैं या वो शुगर फ्री होती है? शुगर फ्री, डिपेंडिंग अपॉन दी गाय, यूजली उनको मेहमानों के लिए हम चाहते हैं कि मीठा ज़्यादा हो, पर चूँकि मेहमान अगर नहीं चाहता मीठा ज़्यादा रहे तो फिर हम। ये बताएं, कोई आगे ग्रीन टी कॉफ़ी का भी प्लान है या यहीं तक रहेगा मामला? डिपेंडिंग अपॉन दी एनिमी, इफ एनिमी लाइक्स ग्रीन टी, जो मेन्यू में उनको पसंद हो, मेन्यू पूछेंगे, पूरा मेन्यू है, तो उनका मेन्यू पेश करते हैं, फुल कोर्स मील भी ऑफर करेंगे, कोई फ्यूचर कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो? हाँ, जब एक्टिविटीज विल गो मोर नेस्टी तो हम उनको मजीद ऑफर करेंगे, खाना भी ऑफर करेंगे, ड्रिंक भी ऑफर करेंगे। तैयारियाँ हम अपनी तरफ से, हर बंदे ने अपनी अपनी तैयारी की, जो हमारे खाने बनाने वाले हैं उन्होंने, बफे भी लग सकता है, बफे भी लग सकता है, जबरदस्त।